कि आपने कभी सोचा है कि क्यों रेलवेज और एयरलाइंस में 24 आवर टाइम फॉर्मेट का यूज किया जाता है 12 आवर टाइम फॉर्मेट यूज करने के बजाय? क्या रीजन है 24 आवर टाइम फॉर्मेट यूज करने का? इस वीडियो में इसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जान लेते हैं क्या क्या फीचर्स होते हैं 24 आवर टाइम फॉर्मेट वाली घड़ी में। तो इसमें 24 आवर्स वाली घड़ी में टाइम 4 डिजिट्स में शो किया जाता है। पहले 2 डिजिट वो आवर्स को इंडिकेट करते हैं और अगले 2 डिजिट वो मिनट्स को इंडिकेट करते हैं। और इसमें टाइम की कोई रिपीटेशन नहीं होती, इसमें 1 to 24 आवर कॉन्टिन्यूसली शो किया जाता है। 24 आवर वाली घड़ी में टाइम को मिडनाइट 12 बजे से काउंट किया जाता है। मिडनाइट 12 बजे को 24 आवर 0 मिनट या 0 आवर 0 मिनट से डिनोट किया जाता है। मिडनाइट 12 बजे से दोपहर 12 बजे तक 12 आवर और 24 आवर क्लॉक टाइम सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 10:25 AM हो रहा है 12 आवर वाली घड़ी में, तो 24 आवर्स वाली घड़ी में भी 10:25 आवर्स ही होंगे। अगर 8:20 AM हो रहा है 12 आवर वाली घड़ी में, तो 24 आवर वाली घड़ी में भी 8:20 आवर्स ही होंगे। लेकिन दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे तक टाइम बिल्कुल अलग होता है। अगर दोपहर के 2:30 बज रहे यानी 2:30 PM हो रहा है, तो 24 आवर वाले क्लॉक में 14 आवर्स 30 मिनट होंगे। अगर आप 12 आवर क्लॉक टाइम को रेलवे या 24 आवर क्लॉक टाइम में चेंज करना चाहते हैं, तो दोपहर 12 बजे और रात 12 बजे के बीच जो भी टाइमिंग है उसमें आप 12 ऐड कर दीजिए। जैसे 10 PM हो रहा है, इसमें आप 12 ऐड कर दीजिए, तो ये 22 आवर 0 मिनट इसकी रेलवे टाइमिंग हो जाएगी। सिमिलरली, अगर आप रेलवे टाइमिंग को 12 आवर क्लॉक टाइम में चेंज करना चाहते हैं, तो आप दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे के बीच जो भी टाइमिंग है उसमें आप 12 घटा दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, रेलवे टाइमिंग आपकी है 15 आवर्स 30 मिनट, इसमें आप 12 घटा दीजिए, तो ये आपका 3:30 PM या आपकी 12 आवर टाइम फॉर्मेट में टाइमिंग आ जाएगी। तो चलिए अब जान लेते हैं 24 आवर क्लॉक टाइम यूज करने का रीजन क्या है। जब हम जल्दी में टिकट बुक करते हैं, तो अगर रेलवे की टाइमिंग 7:30 यानी 7:30 बजे की है, तो वो AM भी हो सकता है और PM भी हो सकता है। रेलवे टाइमिंग 1 to 24 आवर कॉन्टिन्यूसली होता है, इसमें AM और PM का यूज नहीं किया जाता है। इन्हीं मिसकंसेप्शन से बचने के लिए हम रेलवे टाइमिंग का यूज करते हैं, जिसमें 1 to 24 आवर कॉन्टिन्यूसली यूज किया जाता है, इसमें टाइम की कोई रिपीटेशन नहीं होती है। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी।